राधे राधे फ्रेंड्स, आज बनने वाला है बहुत ही ज्यादा दानेदार टेस्टी गाजर का हलवा, जो सबका फेवरेट होता है, लेकिन बनाने में ही झंझट आता है। तो बिना झंझट के मैं लेके आ गई हूँ बिल्कुल नया तरीका गाजर का हलवा बनाने का। बिना मिल्क पाउडर के, बिना मावा के, बिना मिल्क मेड के बनेगा और गाजर को बिना कद्दूकस किए ही बनेगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 kg गाजर लिया हुआ है। आपके आसपास जो भी गाजर मिल रहा हो वो आप ले लीजिए। एक होता है जो रेड रेड टाइप का होता है, एक थोड़ा सा ऑरेंज टाइप पे होता है, आप कोई भी गाजर ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने इसका छिलका निकाल लिया है ऊपर से और उसके बाद बीच से मैंने काट लिया है। तो दोनों साइड का पार्ट्स निकाल के और बीच से हमें लंबाई में काट लेना है। ये देखिए, मैंने सारे ही काट के रख लिया है, दिखाने के लिए लिया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पे एक कुकर को चढ़ा दिया है, इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। एक चम्मच हम घी डाल देंगे इसमें। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम कटा हुआ गाजर डालेंगे, जो हमने बीच से काट के रखा है गाजर, वो सारे ही डाल देंगे इसके अंदर। अगर आप घी डाल के गाजर को डालेंगे तो बहुत ही सुंदर सा इसमें खुशबू आएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा गाजर का हलवा। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये 2 kg है गाजर, आप अपने अकॉर्डिंग ही बनाएं जितना भी आपको गाजर का हलवा बनाना हो। तो यकीन मानिए, इस प्रोसेस से अगर आप बनाते हैं गाजर का हलवा तो बहुत ही ज़्यादा दानेदार और बहुत ही कम मेहनत में बनेगा गाजर का हलवा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि इस तरीके से अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो गाजर के हलवे में अच्छा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लाने के लिए हम डाल देंगे इसमें 2 इलायची। इसको हमने छिलके से ही डाला है, थोड़ा सा तोड़ लिया था मैंने, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसे डालने के बाद हम मिक्स करेंगे और इसे हमें सिर्फ 1 मिनट तक चलाते हुए भून लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये सोंधापन सा टेस्ट दे। तो ये देखिए, ये भून चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें 2 सीटी आने देंगे, लो टू मीडियम पे छोड़ देंगे हम। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला हुआ है, सिर्फ घी डाला हुआ है। इसको आप ऐसे ही लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक ऐसे ही पकने दें। तो जब तक ये 2 सीटी देगा तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गैस पे एक तरफ चढ़ा दिया है पैन को और इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे जब हम दूध डालेंगे तो नीचे पकड़ेगा नहीं। तो पानी को हम चारों तरफ से फैला लेंगे, ये देखिए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे दूध। तो मैंने यहाँ पे दूध 2 लीटर लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती तो जो गाजर है उसको बॉयल करके डायरेक्ट उसमें दूध डाल सकती थी, लेकिन आप उसमें दूध डाल देते हैं डायरेक्ट तो बहुत ही अलग सा टेस्ट आएगा, बिल्कुल हलवे जैसा नहीं टेस्ट आएगा, जैसे लगेगा कि इसको बॉयल करके रख दिया हुआ है। तो आप ऐसा ना करें, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए बिना मावा का हम बनाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो जो गाजर का हलवा बनेगा उसमें मावा जैसा हम टेस्ट देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दूध को चढ़ा देंगे एक पैन में या पतीले में और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जल के आधा ना हो जाए, जिससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा सा इसमें खोए जैसा टेस्ट आ जाएगा। तो कोई झंझट की बात नहीं है, आप दूसरा काम करते रहिए और इसे एक आध बार चेक करते रहिए, बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा हलवे से। तो इस प्रोसेस को आप जरूर करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए, यहाँ पे जब तक दूध पक रहा है तब तक हमारा गाजर भी हो चुका है, 2 सीटी इसमें आ चुका है, ये ठंडा हो चुका है। तो चलिए इसका ढक्कन हटा लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि ये हुआ है कि नहीं। अगर आपका गाजर नहीं हुआ होता है तो 1-2 सीटी आप और लगवा लीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं एक फोक के हेल्प से दिखा रही हूँ आपको, ये बहुत ही अच्छे से हो चुका है, देख सकते हैं आप, गल चुका है ये। तो इसे हमें इतना ही गलाना है, बहुत ही ज़्यादा मैसी नहीं करना है, नहीं तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल दानेदार बनाना है हमें हलवा। तो अभी हम इसी फोक से क्या करेंगे कि इसको तोड़ देंगे। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसे बारीक नहीं करना है, हल्का हल्का इसे तोड़ लेना है, ताकि जब हम दूध में इसे डालेंगे तो हमें इसे तोड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो पहले ही हमें इसे हल्का सा तोड़ लेना है। तो ये देखिए, गाजर को हमने तोड़ दिया है। तो इससे ज़्यादा हमें नहीं तोड़ना है, बिल्कुल भी बारीक तुरंत नहीं करना है आपको, बाद में इसे हमें दूध में पकाते हुए करना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ना तो मावा जलाने की झंझट और ना कुछ, और बहुत ही जल्दी हमारा जो है दूध जल के आधा हो गया है। और ये देखिए कितना गाढ़ा भी हो गया है और कलर भी इसमें हल्का सा येल्लो हो गया है, जिससे बहुत ही अच्छा सा इसमें टेस्ट आ गया है, बिल्कुल मावा जैसा। तो दूध आप कोई भी ले सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है। दूध को बस आधा कर लेना जला के। आपको फर्क दिख रहा होगा कि इसे हम डालेंगे तो कितना टेस्टी बनेगा। तो गैस का फ्लेम अब हम ऑफ कर देंगे। तो दूध को अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डाल देंगे, गाजर के अंदर। दूध हल्का सा ठंडा कर लिया था मैंने, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। आप गर्म भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर रखने से मलाई सी जम जाती है, जिससे और भी ज़्यादा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि इसे मिक्स कर लेना है, और गैस का फ्लेम हमारा इस टाइम पे हाई होना चाहिए, क्योंकि जो हम दूध डाले हैं और इसमें गाजर है, उसको जल्दी से पकाने के लिए हमें हाई फ्लेम कर लेना है। और इसे हम क्या करेंगे कि मैश करेंगे। तो गैस का फ्लेम जब हाई होगा, उसी टाइम पे आपको क्या करना है कि एक मैशर ले लेना है, हैंड मैशर, जो भी आपके पास हो, जो घोटनी आती है, जो मतनी भी बोलते हैं उसे, लकड़ी की, वो भी आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो, या फिर इस तरीके का हो तो इसी से आपको चलाते हुए मैश करते रहना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये मैश हो चुका है, बिल्कुल दानेदार लग रहा है, आपको देखने से पता चल रहा होगा, बिना कद्दूकस किए, बिना झंझट के। तो ये ड्राई हो गया है थोड़ा सा, देखिए चला के मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइम पे गैस का फ्लेम आप थोड़ा कम रखें, नहीं तो ये नीचे से पकड़ सकता है। तो जैसे ही हल्का सा ड्राई हो, गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर दीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो जितना भी आप गाजर का हलवा बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप चीनी डालें। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी से थोड़ा सा कम डाला हुआ है, टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें आप। ये मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ, आप कम बना रहे हैं तो कम डालें। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो चीनी के साथ भी हम इसे पकाएंगे। अब ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि चीनी जो होता है वो पानी छोड़ता है। तो जब तक इसका पानी सूख रहा है, तब तक इसे हमें पका लेना है, हल्का सा इसे मैश करते रहना है। तो ये देखिए, ये ड्राई हो चुका है, पक चुका है। तो इसे पकाते हुए 2 मिनट तक लग गया था चीनी के साथ। तो बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर और टेस्ट भी आ गया है। अब इसमें हम डाल देंगे लास्ट में घी। आप चाहें तो घी में ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही घी को डाल दूंगी। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो 1 मिनट तक इसे हमें घी के साथ भूनना है, जिससे बहुत ही सौंधापन सा टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए भून चुका है। अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे किशमिश, काजू, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ा सा बादाम। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, अपने मनपसंद का डाल सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को हम जब मिक्स कर लेंगे, तो इसे हम ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, सिर्फ आधे मिनट के लिए हम भूनेंगे लो फ्लेम पे। ये हो चुका है। तो हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल दानेदार लच्छेदार बना हुआ है, बिल्कुल मावा जैसा इसमें से टेस्ट आएगा। और हमने ना तो इसमें मावा डाला है, ना तो इसमें हमने मिल्क पाउडर, ना ही तो इसमें हमने मिल्क मेड डाला हुआ है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सर्दियों के मौसम में आप गाजर का हलवा बनाइए और फैमिली के साथ इंजॉय करिए। तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा और भी इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है, जिससे ये अच्छा दिखे। तो फ्रेंड्स, ये गाजर का हलवा बनाने का तरीका और ये गाजर का हलवा कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।